दोस्त के साथ मंदिर आई एक किशोरी के साथ आधा दर्जन युवकों ने दरिंदगी की है। कूड़ा में किशोरी को बंधक बनाकर उन्होंने गैंगरेप किया, बाद में उसके साथ मारपीट कर पायल व मोबाइल छीनकर भाग गए। इस खौफनाक घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। रोकटे खड़े कर देने वाली यह नईगढ़ी थाने के अष्टभुजी माता मंदिर की वारदात है। यहां पर एक किशोरी अपने दोस्त के साथ दोपहर घूमने के लिए आई थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद वे समीप ही बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय आधा दर्जन युवक वहां पहुंच गए। आरोपी उनको धमकाने लगे और युवक के सामने किशोरी को घसीटकर कूड़ा के नीचे की तरफ ले गए। इस दौरान एक एक करके आधा दर्जन युवकों ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की। करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक आरोपी उनको बंधक बनाए हुए थे। उनके चंगुल में फंसी किशोरी व उसका दोस्त आरोपियों से रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया। आरोपियों की दरिंदगी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। घटना के बाद उन्होंने किशोरी से मारपीट कर मोबाइल पायल तक छीन ली। बाद में उनको धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। बदहवास पीड़िता व उसका दोस्त किसी तरह बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल SDOP नवीन दुबे सहित नईगढ़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उनके परिजनों को जानकारी दी और उनको लेकर आ गई। दरिंदगी की शिकार किशोरी की हालत खराब, जिस पर तत्काल उसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 376D, 395, 506 व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसको पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी प्रशासन कर रहा है। अब इन आरोपियों के ऊपर प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। ये कल 16 की घटना है, ये 16/9 की। इसमें एक जो बच्ची है अपने मित्र के साथ में नईगढ़ी क्षेत्र के अंदर जो फंदो माता मंदिर है, अष्टभुजी माता मंदिर के पीछे जो जंगल लगा हुआ है वहाँ पे गई थी, और कुछ शरारती तत्व वहाँ पहले से मौजूद थे। उन लोगों ने इससे साथ छेड़छाड़ किया और फिर पकड़ के लेकर के जंगल में गए और उनने उनके साथ में दुष्कर्म किया। जिसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल मुकदमा कायम किया है। इसमें 6 बच्चों की संलिप्तता आरोपियों की पाई गई, उसमें कुछ माइनर भी बच्चे हैं और सभी कम उम्र के लड़के हैं। इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शिव यादव, आपका किशन बहलिया और विद्या सागर, ये 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। शेष 3 के लिए जो है टीम रवाना है और जल्दी ही वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाएंगे। इनके खिलाफ जो है 376(2)(d) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उसमें 395 और 506 की धाराएं भी लगाई गई हैं, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने उनके मकानों का, उनकी संपत्ति का ब्यौरा उठाया है, और इनकी जो अवैध संपत्तियां जो पाई जाएंगी उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लड़की की स्थिति लड़की अभी सामान्य है।